हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में कुछ कमाल के अपडेट्स होने वाली हैं। वहीं इस वीडियो में WWE वर्सेस इंडिया के बीच जो कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही है, बनाई जा रही है, उसके बारे में ही बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करें बिना मत जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर के बारे में। PW इनसाइडर की रिपोर्ट आई है कि ड्रू मैकइंटायर भी इंजर्ड हैं और वो इंजरी के साथ ही परफॉर्म कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी एल्बो वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है। रिसेंट में वो लंदन के लाइव इवेंट्स में भी दिखाई दिए थे, वहीं रॉ आफ्टर मैनिया में भी वो हमें दिखाई दिए थे और मैच लड़ते हुए भी दिखाई दिए थे। कुल मिलाकर अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो इंजरी शायद काफ़ी सीरियस नहीं होगी। अब हो सकता है कि WWE आने वाले टाइम में उन्हें कुछ टाइम का ब्रेक दे जब वो रिकवर हो पाए, या अभी तो मुझे लगता नहीं है कि सर्जरी वगैरह की ज़रूरत होगी। सर्जरी वगैरह की ज़रूरत होगी तो फिर देखा जाएगा। WWE उन्हें हो सकता है कुछ टाइम के लिए ऑफ रखे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी आने वाले कुछ महीने उन्हें ऑफ दिया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में, जो कि हाल ही में रेसलमेनिया 40 में अपना टाइटल हार चुके हैं। अब एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें रोमन रेंस को लेकर कुछ बड़ा क्लेम करा जा रहा है, जैसे कि कॉडी रूड्स ने लास्ट ईयर रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया 39 में भी रोमन रेंस को टाइटल के लिए चैलेंज करा था, और फिर रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस ने कॉडी रूड्स को हरा के टाइटल रिटेन कर लिया था। अब कॉडी रूड्स के फैंस रोमन रेंस के अगेंस्ट कॉडी रूड्स की हार से अनहैप्पी थे। वहीं रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर ने कुछ रिवील करा है। उन्होंने कहा है कि रेसलमेनिया 39 में ही कॉडी रूड्स को रोमन रेंस के खिलाफ जीत के लिए बुक करने का प्लान था, मतलब कि रेसलमेनिया 39 में कॉडी रूड्स रोमन रेंस को हरा के चैंपियन बनने वाले थे, बट ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने कॉडी रूड्स के खिलाफ उस टाइम हारने को लेकर मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि रेसलमेनिया 39 में मैं अपना टाइटल कॉडी रूड्स के खिलाफ नहीं हारूंगा। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि खुद रोमन रेंस ने कहा कि कॉडी रूड्स नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 40 में अगर मुझे हरा के चैंपियन बनेगा तो उनके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। हालांकि ट्रिपल एच और विंस मैकमैन दोनों चाहते थे कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 39 में टाइटल हार जाएं, बट लास्ट डिसीजन विंस मैकमैन ने लिया और रेसलमेनिया 39 में हमें ऐसा होता हुआ कुछ भी नहीं दिखा। वहीं हाल ही में कॉडी रूड्स ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि मैं अभी उनके बारे में काफ़ी अच्छे से बात कर रहा हूँ, यानी कि रोमन रेंस के बारे में, और वो अपने दिमाग में काफ़ी चीज़ें सोच रहे होंगे कि वो रिटर्न के बाद मेरा बुरा हाल कर देंगे। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तैयार रहूँगा और हमें रोमन रेंस की वापसी का इंतजार रहेगा। अब पता नहीं यार इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है। वैसे रोमन रेंस को WWE में क्रिएटिव फ्रीडम मिली हुई है, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर ऐसा है तो रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में भी हारने से मना कर देते ना कॉडी रूड्स के खिलाफ, तो अच्छा होता। अब बात कर लेते हैं WWE और इंडियन सुपरस्टार को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में। थोड़ा डिटेल में बात करूंगा तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, तभी आप चीज़ें समझ पाओगे। अब कल मैंने एक वीडियो में बताया था कि WWE ने जिंदर महल को रिलीज़ कर दिया, बट उसके बाद और कुछ बड़ा हुआ जो कि काफ़ी शॉकिंग है, उसके बारे में ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में आगे चल के। कल की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि जिंदर महल को WWE ने रिलीज़ कर दिया है, बट उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद लग रहा है कि WWE सुपरस्टार के साथ WWE में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। WWE इंडियन सुपरस्टार वर्सेस WWE के बीच क्या कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। कुछ ऐसा हुआ है जो ठीक नहीं है इंडियन सुपरस्टार के साथ, वो भी तब जब इंडिया से WWE को तगड़ी व्यूअरशिप जाती है, अच्छा खासा फैन बेस है WWE का इंडिया में। बावजूद इसके अब अपडेट ऐसी आई है कि वीर महान और सांगा को भी WWE ने रिलीज़ कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि WWE में अब कोई भी इंडियन टैलेंट नहीं बचा है। कुछ टाइम पहले WWE ने शैंकी को रिलीज़ कर दिया था, उससे पहले कविता देवी को रिलीज़ करा था, उससे पहले बॉलीवुड बॉयज़ को रिलीज़ कर दिया था। खैर वो काफ़ी पहले की बात है। अब कुछ तो बड़ा हुआ है, क्या हुआ है वो अभी क्लियर नहीं है, बट मॉर्निंग में जिंदर महल ने ट्वीट करके खुद से बताया कि WWE छोड़ दी है, बट उसके कुछ देर बाद वीर महान ने ट्वीट करा और लिखा कि बात जब हम भारतवासियों के मान सम्मान पर आ जाए तो त्याग सबसे पहले, गुड बाय WWE, जय जय श्री राम। वहीं सांगा यानी कि सौरभ गुर्जर ने भी एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मर जाएंगे झुकेंगे नहीं, ना मैं और ना मेरा भारत, जय हिंद। वहीं ड्रू मैकइंटायर ने भी एक पोस्ट करी जिसमें उनकी और जिंदर महल की काफ़ी ओल्ड फोटो है 3MB के टाइम की। उन्होंने लिखा कि वी शो देम वंस, नाउ शो देम अगेन ब्रदर, हमने उन्हें एक बार दिखाया था, अब फिर से दिखाओ भाई। जिंदर महल ने भी इस पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए लिखा है कम बैक किंग्स। अब आप लोग इस चीज़ से रिलेट ना कर पा रहे तो मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी साल पहले ड्रू मैकइंटायर, जिंदर महल और हीथ स्लेटर 3MB नाम के एक फैक्शन में दिखाई देते थे।
उस फैक्शन को ज़्यादा कुछ पुश वगैरह नहीं मिल रहा था, तो ड्रू मैकइंटायर और जिंदर महल को उस टाइम WWE से रिलीज कर दिया गया था। फिर दोनों ने अच्छे खासे मतलब वापसी करी, ड्रू मैकइंटायर ने भी करी, जिंदर महल ने करी, और अब तक वो चले आ रहे थे। तो उसी से रिलेटेड है कि ड्रू मैकइंटायर कहने की हमने उन्हें एक बार दिखाया है तो फिर से इन्हें दिखाओ। अब सांगा ने एक वीडियो भी पोस्ट करी जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ, रिंकू भी पॉजिटिव और जिंदर पाजी भी पॉजिटिव हैं। उन्होंने कहा कि जब बात व्यूअरशिप की आती है तो आपको इंडिया से चाहिए, बट जब बात इंडिया के टैलेंट की आती है तो वो आपको आगे लेके नहीं जाना है। उन्होंने कहा कि आप मौके देने को तैयार नहीं हो। वो कहीं ना कहीं एक तरह से WWE से बुकिंग को लेके नाराज हैं, उनकी वीडियो से तो ऐसे ही लग रहा है। अब वीर के ट्वीट पे जिंदर महल ने भी रिप्लाई करते हुए पंच वाली इमोजी पोस्ट करी। वीर के इस ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खुद से WWE छोड़ी है। इससे ये भी साफ है कि जिंदर महल भी कहीं ना कहीं वीर से एग्री करते हैं। वीर के इस ट्वीट से क्लियर है कि WWE में बैक स्टेज इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो इन तीनों ने साथ में WWE छोड़ दी। क्या तीनों बुकिंग्स को लेकर नाराज थे, या तीनों बैक स्टेज पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे थे, या कुछ डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे थे? तो सांगा की वीडियो देख के तो ऐसा लगता है कि ये बुकिंग्स और मौके ना मिलने की वजह से नाराज थे, टैलेंट को आगे ले जाने को WWE तैयार नहीं थी, उस चीज को लेकर नाराज थे। अब देखो, अगर तो ये बुकिंग से नाराज हैं तो फिर भी ठीक है, क्योंकि जब WWE आपको दिखा ही नहीं रही, वहां के लोग ही आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, वहां के लोग छोड़ो इंडिया के फैंस आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो WWE फिर आपको क्यों रखे? एक बात बताओ, हर कंट्री के फैंस उनके होम टाउन सुपरस्टार को सपोर्ट करते हैं। अब जब WWE को पता है कि इंडियन सुपरस्टार के होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंडिया से वैसे ही व्यूअरशिप आती है जो कि इंडियन सुपरस्टार को दिखा के और बिना दिखाए आती है, तो फिर वो क्यों इनको कंपनी में बनाए रखें, क्यों वो उनको पुश दें, क्यों वो उनको स्टोरी लाइन वगैरह में दिखाएं? अब आप खुद सोचो, वीर महान, सांगा और जिंदर महल इतने गए बीते सुपरस्टार हैं जो उन्हें कंपनी से इस तरह से निकाला गया है। जिंदर महल फॉर्मर WWE और US चैंपियन रहे हैं। वीर महान और सांगा की बॉडी और हाइट देखो, पर्सनैलिटी देखो, गजब की है। ये क्या ज़ेलिना वेगा से भी गए बीते सुपरस्टार हैं? नो हेट फॉर ज़ेलिना वेगा, वो अपनी जगह ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। बैकलैश प्यूर्टो रिको में हुआ था तो ज़ेलिना वेगा उस पे पर व्यू को मेन इवेंट करती हैं, वो भी टाइटल मैच में। वहां का क्राउड रेहर रिप्लाई जैसी डोमिनेट चैंपियन को बू करता है और ज़ेलिना वेगा को सपोर्ट करता है। और हमारे इंडियन सुपरस्टार की वैल्यू का इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि WWE लाइव इवेंट में भी हमारे सुपरस्टार को जीतते हुए नहीं दिखा सकती, बट व्यूअरशिप दबा के इंडिया से चाहिए, बट निकालना भी यहां के ही सुपरस्टार को है। अब आप खुद सोचो, इंडिया के किसी इवेंट में जिंदर महल, वीर महान और सांगा का मैच किसी बड़े सुपरस्टार से हो जाए, जो कि हाल ही में जो लाइव इवेंट हुआ था उसमें हुआ भी था, फॉर एग्जांपल सेथ रॉलिंस से, ड्रू मैकइंटायर से हो जाए, तो आप किसको सपोर्ट करोगे? इंडियन सुपरस्टार को तो नहीं करोगे। अब चलो आप ज़ेलिना वेगा को छोड़ो, सऊदी अरेबिया का सुपरस्टार मंसूर, कोई हेट नहीं है किसी के लिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सऊदी अरेबिया के इस इवेंट में मंसूर को मैच लड़ाया जाता है और जीतते हुए भी दिखाया जाता है। अब आप अंदाजा लगा लो, प्रीति तितलियों से भी बेकार है क्या हमारे सुपरस्टार, या हमारा टैलेंट प्रीति तितलियों से भी बेकार है? LWO में जो पीछे आते हैं, नाम याद नहीं आ रहा उनका मुझे, उनसे भी गए भी थे सुपरस्टार है क्या अपने, जो इनको मौके नहीं मिल रहे थे? अब कहते रहो कि WWE ने अच्छा नहीं किया, अब सोचो जिंदर महल, वीर महान, सांगा किसी और कंपनी में दिखेंगे तो क्या देखोगे, सपोर्ट करोगे उस कंपनी को जाके? मुझे नहीं लगता करोगे, क्योंकि WWE जैसी बड़ी कंपनी में रहते हुए उन्हें सपोर्ट नहीं मिला तो अब क्या करोगे? अब वाकई अगर इसके पीछे कुछ और रीजन है तो फिर वीर महान और जिंदर महल को खुल के सामने आना चाहिए। अब सामने आएंगे या नहीं आएंगे वो तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।